धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हाउसिंग कॉलोनी में जिला कार्यालय में मंगलवार को स्वर्गीय राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया। कांग्रेसियों ने उनकी तस्वीर पर मालार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आधुनिक भारत में असली क्रांति लाने वाले सबसे पहले प्रधानमंत्री वही थे। उसके पहले बड़े बड़े PSU सरकारी संस्था जवाहरलाल जी के समय में हुए, नेशनलाइजेशन के और दूसरे खदानों के जैसे यहाँ पर इन सबों का इंदिरा जी ने किया, और कंप्यूटर क्रांति जो आधुनिकीकरण का सबसे पहला कदम वह राजीव जी लेकर के आए। उसके बाद ही आप देखते हैं कि मोबाइल फोन आए और नई नई चीज़ें आनी शुरू हुई। लेकिन असली मायने में अगर क्रांति कहा जाए आधुनिक भारत का, एक मॉडर्नाइजेशन का, वह राजीव जी ने रखा और उनको याद करते हैं उनके आज शहादत दिवस पर। वह पहले ऐसे व्यक्ति थे कि हम पहले UN के अंतर्गत सेनाएं बाहर भेजा करते थे और यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत वो सेनाएं अफ्रीका जाया करती थी या मध्य एशिया में जाया करती थी। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने IPKF और श्रीलंका में टेररिज्म के विरुद्ध आर्मी भेजी थी। अब तो लोग चाहे जो मर्जी सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात करें, लेकिन असली मायने में यदि किसी ने अपने दम पर भारत ने कभी अपनी सेना भेजा था तो वह श्रीलंका में भेजा था आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए। तो उनमें आधुनिक भारत की सोच थी और शुरुआत उन्होंने ही की थी। तो आज उनके किए गए कार्यों को हम नमन करते हैं, उनकी शहादत पर उनको याद करते हैं। उनके हत्यारे जो जेल में बंद है उसको छोड़ने पर बात की जा रही है। हमने तो यह भी देखा है कि उनके परिवार ने भी कहा कि उनको माफ़ कर दिया जाए जिन्होंने किया। अदालत में मामला है, वो चल रहा है। अदालत किस प्रकार से उस पर निर्णय लेती है या उस पर तय होता है।